बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कंज्यूमर बिहेवियर ये दो तरह से हैं, एक विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच है, एक विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने सीखना है कंज्यूमर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। दिस इज माय पॉइंट। अब इस टॉपिक को समझने से पहले दो बातें आपकी फिंगर टिप्स पे ग्रिप पे होनी चाहिए। एक तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, डिटेल में टॉपिक मैंने इकोनॉमिक्स पोर्टल में बना के ये भेजा हुआ वीडियो वहां पे मौजूद है, और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के साथ लगा दिया है। आप लिंक पे जाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आपको मिल जाएगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, दूसरे नंबर पे बजट लाइन क्या है। बजट लाइन भी डिटेल में भी मैंने रिसेंटली वीडियो इसकी बनाई है, और बजट लाइन आप देखें इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उसका लिंक मैंने साथ अटैच कर दी है। ये दो चीजें जिस वक्त तुम्हारी ग्रिप में आ गई, तीसरे स्टेप में हमने करना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों का इक्विलिब्रियम दिखाना होता है कि कंज्यूमर कौन सा पेयर परचेज करेगा, क्योंकि बजट लाइन तो शो कर रही है कंज्यूमर का बजट, इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है डिफरेंट उसके कॉम्बिनेशन कमोडिटीज के जो उसको एक जैसे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो तमाम पेयर उसको एक जैसे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो फिर वो कौन से पेयर को प्रेफर करेगा, मार्केट में अगर जाता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन वो परचेज करेगा, उसके लिए फिर उसको बजट लाइन हेल्प करेगी। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएं, तो वो वाला पेयर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। अब इसमें दो केस बनते हैं, दोनों ही आपको मैं डिटेल से डायग्राम के साथ समझा देता हूं। मास्टर लेवल में ये दो केसेस बनेंगे, और बैचलर लेवल इंटर लेवल में ये एक ही केस है। उसमें आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम दिखाना है, एक बजट लाइन बना दी, एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स मॉडल ना प्यार है, ब्राय मेहरबानी तो सही प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। तो ये डायग्राम है बजट लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, डिफरेंट पेयर्स बनेंगे, लेकिन इनमें एक पेयर ऐसा होगा जो बजट लाइन के साथ टच करता हुआ जा रहा है। टेंजेंट बोलते हैं, एक पॉइंट से इंडिफरेंस कर्व टच करती हुई गुजरे या बजट लाइन टच करती हुई गुजरे, ठीक है, तो वो पॉइंट ई बन रहा है। तो इस ई पॉइंट पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगी। ये ओ एक्स वन, इतनी क्वांटिटी एक्स की वो परचेज करेगा, ओ वाई वन, इतनी क्वांटिटी वो वाई की परचेज करेगा, तो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये थ्योरी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ये तो इंटर और बैचलर्स तक, ये यहां तक ही हमें समझ में लगी। अगर लेकिन मास्टर लेवल में आ जाए, वहां पे दो सेपरेट केसेस आते हैं। केस वन है, आपके पास बजट लाइन अगर सपोज किया गिवन है, लेकिन आपके पास इंडिफरेंस कर्व एक से ज्यादा है, इस सिनेरियो में रहते हुए सेटिस्फेक्शन कहां पे मैक्सिमम होगी, तो ये उसकी डायग्राम है। बजट लाइन अगर गिवन है, इसका मतलब है एक ही बजट लाइन वो ड्रॉ होगी। तीन इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो में समझाया हुआ है कि एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब होंगे तो एक सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको फिर इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो फर्ज किया ये आईसी वन है, ये इंडिफरेंस कर्व टू है, ये इंडिफरेंस कर्व थ्री है। एक बी पॉइंट बन रहा है, एक सी पॉइंट बन रहा है, एक ए एक डी, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। किस पेयर पे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मैक्सिमम होगी, बी पॉइंट उस पर भी नहीं हो सकती, सी पॉइंट उस पर भी नहीं हो सकती। कंडीशन क्या है, बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, या दूसरी वर्डिंग पे स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसे पी एक्स ओवर पी वाई कहते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के, ठीक, एमआरएसपी जिसे कहते हैं। तो ये इन दोनों की स्लोप्स बराबर हो रही हैं इस ए पॉइंट पे, क्लियर होगी बात। इंडिफरेंस कर्व टू जोन्स है, ये सिर्फ एक पॉइंट से टच करता हुआ इस बजट लाइन से गुजर रहा है। बजट लाइन को टच करता हुआ वो पॉइंट गुजरेगा,
उसको क्रॉस करता हुआ नहीं गुजरेगा। ये बी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व टू पे है, ये इसको टच तो कर रहा है लेकिन इसको क्रॉस करके काट के निकल रहा है नीचे से। दूसरी निशानी आपने याद करनी है, इंडिफरेंस कर्व टू वो रिलेटिवली हायर है इंडिफरेंस कर्व वन की निस्बत, ये ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा देगा। इसकी प्रॉपर्टीज में हमने सीखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होता जाएगा वो सेटिस्फेक्शन भी उतनी ज्यादा देता जाएगा। इसलिए ए पॉइंट इसको बी और सी से कंपेयर नहीं कर सकते। बी और सी इंडिफरेंस कर्व वन पे है जो कि नीचे इंडिफरेंस कर्व वाक्य है, और ये वाला इंडिफरेंस कर्व टू की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ए पॉइंट पे हमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगी। हाँ, एक इंडिफरेंस कर्व थ्री जोन्स है, ये इन दोनों से ज्यादा हायर है, लेकिन उसके इस पॉइंट पे फर्ज किया कि ये पॉइंट डी है, उसपे भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल तो ज्यादा रही है लेकिन वो हमारे रेंज से बाहर है। हमारे पास बजट जो कि गिवन है वो दिया हुआ है, वो बजट से ऊपर चला जाता है पॉइंट, तो आउट ऑफ रेंज है ये पॉइंट, इसको हम परचेज ही नहीं कर सकते। तो अपने सिनेरियो में रहते हुए जिनको हम परचेज कर सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें ए पॉइंट दे रहा है। ये है केस वन। केस टू क्या है, जिस तरह इसमें बजट लाइन गिवन थी, केस टू में हमारे पास इंडिफरेंस कर्व गिवन होगी और सब्जेक्ट टू मिनिमाइज द बजट। ये जी इंडिफरेंस कर्व गिवन है, इसमें एक ही इंडिफरेंस कर्व बनेगी लेकिन बजट लाइन यहाँ पे तीन बन गई है। सपोज किया कि ये कंज्यूमर के पास इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इस सिनेरियो में उसको कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगी, प्रॉफिट मीन्स उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। तो ये इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन वन है, ये बजट लाइन टू है, ये बजट लाइन थ्री है। बजट लाइन टू पे ये पॉइंट बन रहा है ए, इस पे पॉइंट पे उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बाकी किसी पॉइंट पे भी दोनों की स्लोप्स बराबर नहीं हो रही। बी और सी पॉइंट बजट लाइन थ्री पे आ रहे हैं और यहां पे इन दोनों की स्लोप इक्वल नहीं हो रही, बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की। क्यों? क्योंकि ये इसको टच करते हुए नहीं गुजर रहे, इसको काट के गुजर रहे हैं ये दोनों पॉइंट। तो यहां से हमें पता चला ये डी पॉइंट जो सा है ये नीचे वाली बजट लाइन पे है। नीचे वाली बजट लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मजीद मैक्सिमाइज कर सकता था। जिस वक्त आपके पास इंडिफरेंस कर्व गिवन हो, उस सिनेरियो में रहते हुए सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहां पे होगी? स्लोप ऑफ बजट लाइन जहां पे इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के। ये डी बी सी इन पॉइंट्स पे आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, सिर्फ ए पॉइंट पे होगी। ये दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।